قال الله تعالى في القرآن المجيد بل القرآن الكريم خلق الإنسان من أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم معدن الجود والكرم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيرتي محي الدين الغوث الأعظم मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं आदर निकराम बुजुर्गों दोस्तों आज की रात इंतहाई खुशी और मसरत की रात है। इस मुबारक महफिल से इस नाचीज तालिब इल्म को खान वादे गौसे आजम को आदिम शाह मूसा कादिर रहमतुल्लाह अलैह को आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आले जनाब मौलाना सैयद शाह मुस्तफ़ा पाशा कादरी साहब सज्जद नशीन व मुतवल्ली जानशीन हजरत सैयदना सैयद शाह खलीफतुर रहमान शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वान की काश पर आपके सामने हाजिर हूँ। गाइस पे कशी फरमा तमाम हमारे आंध्र प्रदेश के हैदराबाद महाराष्ट्र कर्नाटक गुलबर्गा शरीफ मद्रास और मुख्तलिफ सारे मजाहिब के मानने वाले हजरात और एक जिम्मेदारा ने हजरात आपकी सरपरस्ती के लिए और इस आस्थाने में हाजिरी के लिए अदब एहतराम हाजिर हैं। अभी मैं मुझसे पेश रो मुख्तलिफ हजरात से उनके ख्यालात को सुन रहा था। हर एक की जबान पर यही था कि इंसान को क्या चाहिए सुकून और औलिया अल्लाह के आस्थाने कल्ब सुकून का मराकज है जिससे कल्ब को नूर और तस्कीन मिलती है जिससे सारे जहां पे खासतौर पर अभी भारत का फिक्र यहाँ किया गया था यकीन बाहर महान है जहां पर हर फर्द बिला लिहाज मिलत रहता है सहता है और अपनी जिंदगी गुजारता है और हर एक कोई अख्तियार है कि अपने अपने मजहब से चलते हुए अपने पेशवाओं की अपने रहबरों की खिदमत करे। आज वही खिदमत गुजारान मुतवली हजरात महिद हजरात गुरु हजरात और पुजारी हजरात यहाँ पर एक मेरे ब्रदर सिख साहब भी हैं देखकर बहुत खुशी हो रही है। साहबजादे ब्रदर मोहतरम ने ब्रदर दादे ने आज ये बात साबित कर दी कि खान वालों और ये अल्लाह क्या होते हैं कि उन्होंने आज एक अंजुमन सजा दी यहाँ पर बिला लिहाज मिलत मेरे वाले माजी सदर से इसका यही आलम शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वान का एक शेर याद आ गया तेरे दरबार में हर कौम को आते देखा तेरे दरबार में हर कौम को आते देखा बंदगी से सरे तस्लीम झुकाते देखा आज वो बात मेरी वालिद माजी से याद हो गई कि बिना लिहाज इस दाइस से सब आपके सामने मुखातिब हैं। आप दुआ फरमाइए कि इस खान वाले को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे इसकी उम्र दराज करे इस
क्या मुरीद है। इन्होंने अपने अंदाज की तालीमात को हासिल कर और फैजान और ये अल्लाह को हासिल कर इस मकाम को पहुंचा है। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला आज ये मजमा कुछ नहीं है, सारा मलखेर हजरत की उस मुबारक की यात्रा करेगा और बिना लहर सारा शहर एक ऐसा उस बनाएगा कि लोग देखते रहेंगे और ये याद और ये अल्लाह जाती रहेगी। सुभान अल्लाह। और आज के आज का जो सेमिनार है फिक्र इंसानियत, उन्वान छोटा है फिक्र बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इंसान को एक ऐसी तकदीर से पैदा किया कि अफसरी तकदीर बेहतरीन तकदीर से पैदा किया। और इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए, अपनी रियाजत के लिए, अपनी याद के लिए, अपनी फिक्र के लिए। और जो शख्स अपनी फिक्र करता है खुदा उसको चाहता है। हदीस पाक में आता है कि फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बंदा अपने आप को पहचानता है वो खुदा को पहचानता है। जो शख्स अपने आप की फिक्र करता है वो यकीनन उस खुदा रब्बुल आलमीन की फिक्र करता है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी अपनी रहमत से पैदा किया। और आज बात यह मेरे दोस्तों भाई बहनों, इंसान को सारी मखलूकात को अलग कर दिया गया, हर किस्म की मखलूक खुदा रब्बुल इज्जत ने गॉड को पैदा किया, लेकिन इन सारी मखलूक में अशरफुल मखलूकात कहा गया। ह्यूमन बीइंग ऐसी बंदगी पैदा करने के लिए ऐसी इंसानियत देकर पैदा किया कि ये इंसान अपने आप को पहचाने, जिंदगी को पहचाने, माशरे को पहचाने, अल्लाह की इबादत के लिए किसी इंतजाम का कसर बाकी रखे। इंसान को फिक्र होना चाहिए कि आज इंसान जो बात कर रहा है, इंसान जो हाथ और पैर से चल रहा है, अपना हाथ उठाता है, आंखों से देख रहा है, दिमाग से सोच रहा है और सब से समझ रहा है, उसका मतलब यह है कि वो इल्म भी हासिल कर रहा है। आज इंसान आसमानों की बुलंदी को छूने की कोशिश कर रहा है, रॉकेट में जा रहा है, चांद का मुआयना कर लिया, हर स्टार के सितारों का मुआयना कर लिया, कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, एक छोटा सा इंसान इस आसमान की बुलंदी को छू सकता है तो भला बताइए जो औलिया अल्लाह है तो क्या नहीं कर सकते। अभी आपने सुना मेरे उससे पहले जो 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 स्पीकर ने कहा इस आस्थान आलिया में, इस दरगाह शरीफ में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आए हैं। और यकीनन है मैं भी इस बात की गवाही दूंगा हजरत मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह शाह साहब फारवी जो साबिका सज्जद रशीद मेरे अजीज कदर में मेरे बुजुर्ग थे, उनके जमाने से मैं भी वाकिफ हूँ, मेरा बच्चा था, लेकिन उन्होंने भी यही तालीम दी कि और ये अल्लाह की तरफ से सारी कायनात में एक ऐसा मकाम है कि यहाँ हर चीज हासिल होती है। अगर किसी को सुकून मुयसर नहीं होता है तो आस्थानों में आ जाए, अगर दिल इज्तिराब होता है तो खानकाहों में आ जाए, महफिलों में आ जाए, कव्वाली में आ जाए। और यहाँ का मजा देखिए कि यहाँ इंसान को इंसान की जिंदगी का मामला मिलता है, इंसान को इंसानियत बदलता है कि इंसान नेक हो जाए, एक हो जाए, इतिहास से हो जाए, इतिहास से हो जाए, आप अपने मेल रखे। और इंसान पर इंसान का जुर्म करना बहुत बड़ा गुनाह है। फिक्र इंसान क्या है, फिक्र इंसान ही है कि हम खुदा के बंदे हैं और खुदा की इबादत करना है। खुदा ने हमको इसलिए वजह किया कि हम खुदा की याद करें, तुम अल्लाह का जिक्र करो, सुनो मां सालिहीन कि तुम सालिहीन के साथ हो जाओ, सुनो मां शागिरीन कि तुम शागिरों के साथ हो जाओ, तुम अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जो लोग अल्लाह वालों के साथ होते हैं उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। आज इस मजमे का मकसद यही है कि आप हजरात आज की नींद को छोड़कर सारे आंध्र प्रदेश से यहाँ आने का मकसद ये है, मैं बात देख रहा हूँ कि आपके दिलों में हजरत करीमुर रहमान साहब की मोहब्बत है,
और इस जानशीन साहबजादे की अतिरिक्त है इनसे मुलाकात कर कर दिलों को सुकून यहाँ मिला रहा है। मराठी कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है, सबको सब इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आप ये बयान दे रहे हैं कि आ जाओ और ये अल्लाह के पास और फैजान हासिल करो। फैज बख्शी की है आसान तेरे पूछे में, फैज बख्शी की है आसान तेरे पूछे में, जब हुआ आके मैं मेहमान तेरे पूछे में, खुद हो गई मुश्किलें आसान तेरे पूछे में। मैं दुस्तर होता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला इस खानदाने को, इस बारगाह को, इस बारगाह वालों को हमेशा के लिए सलामत रख और इनके मैदान को जारी और सही फरमा दे और इस खानदान के अल्लाह उनको दराज कर और ऐसे ही इज्तिमा और ऐसे ही फैसला और ऐसी महफिलें क़यामत तक जारी और सही रहे। हम रहे ना रहे लेकिन ये आस्थाने आबाद रहे वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।